मनोज तिवारी आपको याद है, एक क्रिकेटर जो भारत के लिए 12 वनडे मैच खेले हैं और 3 टी20 मैच खेले हैं। हाल फिलहाल में राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय हैं। एक उनका स्टेटमेंट आया महेंद्र सिंह धोनी को लेकर, कुछ वक्त पहले भी आया था, बार बार महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। हाल में एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कह दिया है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी ने उनके पीक करियर में उन्हें ड्रॉप करके उनके कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से हिला दिया था। जी हाँ, मनोज तिवारी को ऐसा लगता है कि वो अपने जब करियर के पीक पे थे तब उन्हें चांसेस नहीं मिले, यही वजह है कि उनका कॉन्फिडेंस चला गया और वो अपना कमबैक नहीं कर पाया। 2008 में डेब्यू हुआ था भारतीय टीम में, आखिरी मुकाबला 2015 में खेले हैं, लेकिन जैसा हमने बताया मैचेस काफ़ी कम नज़र आते हैं, चाहे वनडे की बात कर लें या टी20, टोटल 15 मैच भी नहीं हो पाए जो इतने साल में वो खेल पाए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत बड़ा नाम, उन्हें कहा जाता था भाई छोटे दादा तक का टैग उन्हें दे दिया गया था जितने रन उन्होंने बंगाल के लिए बनाए हैं, लेकिन भारतीय टीम में ज़्यादा दिन तक चले नहीं। इसके लिए वो दोषी महेंद्र सिंह धोनी को मानते हैं जो उस वक्त कप्तान थे। इस साल की शुरुआत में भी एक इंटरव्यू आया था, याद कीजिए, न्यूज़ 18 को ही वो इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब रोहित शर्मा रन नहीं बना रहे थे, जब विराट कोहली का बल्ला नहीं चल रहा था, उन्हें ड्रॉप नहीं किया गया, उन्हें टीम के साथ रखा गया था, उन्हें सपोर्ट किया गया था, लेकिन मनोज तिवारी को टीम से बाहर कर दिया गया था। আমি শতরান আর ম্যান অফ দ্য ম্যাচ জেতার পর আমাকে প্লেইং ইলেভেন থেকে কেন বাদ দিলে, বিশেষ করে আমাকে প্লেইং ইলেভেনে রাখা হয়নি, সেই প্রশ্নটা থাকবে। কারণটা কি, মানে কোনোদিন সুযোগ হলেই না কর্ডিয়াল ওয়েই জিজ্ঞেস করো। ও গুসা সাফ নজর আতা হ্যায় মনোজ তিওয়ারি কে অন্দর আজ ভি, ও কহতে হ্যায় কি ভাই দুঃখ হোতা হ্যায় উসে ইয়াদ করকে মেরে আত্মবিশ্বাস কো কিস তরিকে সে ঠেস পৌঁছি থি জব মুঝে টিম সে বাহার কর দিয়া গয়া থা। कप्तान ने मेरे ऊपर भरोसा नहीं दिखाया था, मैंने डोमेस्टिक में खूब सारे रन बनाए थे लेकिन मौका नहीं मिला था। लेकिन मनोज तिवारी के छोटे से करियर की बात करें तो एक शतक नज़र आता है उसमें, बाकी ज़्यादा शतक वहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। वो बार बार ये कहते रहे कि उन्हें मौके ज़्यादा नहीं मिल पाए, डोमेस्टिक में खूब रन बनाए हैं लेकिन ऐसा नहीं है, इन एंड आउट लगातार टीम में होते रहे मनोज तिवारी। लेकिन अपने पुराने इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना दर्द बयां किया था। प्रश्न मनोज तिवारी की धोनी के कि आमी शतरन और मैन ऑफ द मैच জেতার পর আমাকে প্লেইং ইলেভেন থেকে কেন বাদ দিলে, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া সফরে যখন আমরা গেলাম তখন কেউ রান করছিল না, রোহিত করছিল, বিরাট করছিল, রায়না কেউ বড় রান করছিল, তারপরেও কিন্তু আমাকে প্লেইং ইলেভেনে রাখা হয়নি, সেই প্রশ্নটা থাকবে। কারণটা কি, আর যদি না, হ্যাঁ জি ইচ্ছা রয়েছে, মানে আমার তো কিছু পাওয়ার নেই কারোর থেকে কি আমি চুপচাপ থেকে যাব, একটু তেল মালিশ করবো, একটু একটু বাটারিং করব, কিছু পেয়ে যাব ফিউচারে, যার কারণে আমি চুপ থাকবো, এটা নয়, মানে কোনোদিন সুযোগ হলেই না কর্ডিয়াল ওয়েই জিজ্ঞেস করবে।